अंधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामिने नमः। यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम शिल गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि शास्त्रांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज का उपदेश को, जिसमें वो हमें उपदेश कर रहे हैं कि असत संगति का त्याग करना है। एक अच्छा साधक जो होगा वो असत संग नहीं करेगा। वो हमने कल सुना असत संग मतलब क्या आता है, वो बोलते हैं स्त्री संगी और कृष्ण विमुख व्यक्ति, भगवान से बहिर्मुख व्यक्ति, ये दोनों की बात यहाँ पर बताया जा रहा। उनके संग से भक्ति अंतर्धान हो जाती है, जैसे भक्ति प्रकट होती है प्रादुर्भूत होती है वैसे लुप्त भी हो जाती है। जैसे भगवान के विग्रह प्रकट होते हैं, काल के क्रम में जब सही सेवा करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं तो वो अप्रकट भी हो जाते लुप्त भी हो जाते हैं। ऐसा क्या बोलते हैं, बोलते हैं जितने भी झूठ बोलने वाले, जीव हिंसा करने वाले, उपद्रव करने वाले जितने भी हैं, ये सब भी असत के अंदर ही आता है। लेकिन विशेष रूप से जो असत जिसको बताया एक साधक के लिए जो खतरा है वो ये दो चीज़ें जिनके अंदर है, वो लोगों के अंदर ही खतरा है। वो बोलते जो कृष्ण का भक्त ही नहीं है उसके अंदर कोई सद्गुण हो ही नहीं सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुण, जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महान गुण होने की कोई संभावना ही नहीं है। ऐसे जो व्यक्ति है वो मन के रथ पे बैठकर असत की ओर निकल पड़ते हैं वो लोग, तो इसलिए उनकी सारी क्रियाओं के अंदर किसी में भी सत बोल करके कुछ होता नहीं है, अच्छा कुछ भी नहीं होता है। और क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण बहिर्मुख और स्त्री संगी के संग का त्याग ही विशेष रूप से उल्लेखनीय है, वो हमारे साधन के लिए खतरा है। श्रद्धावान भजननिष्ठ वैष्णव के लिए क्या बोल रहे हैं, ये दोनों ही प्रकार का जो आचरण है, ये दोनों ही प्रकार का संग वो उसके लिए अत्यंत विनाशकारी है। ऐसा जो सिद्ध है, जो प्रतिष्ठित है, बोलते उनके लिए खतरा नहीं है, लेकिन जो साधक भूमिका में है उनके लिए निश्चित रूप से खतरा है। यहाँ तक कि जो एक मध्यम स्तर में भी रहते हैं उनके लिए भी खतरा है। जो उत्तम है उनके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन उत्तम महाभागवत भी इस मर्यादा को रखते हुए, इस सिद्धांत का सम्मान करते हुए चलते हैं, क्योंकि भक्ति के लिए ये हानिकारक है।
बोलते हैं बहुत ही सौभाग्य से, साधु गुरु कृपा से, भगवान के प्रति जो भजनोन्मुख है, भगवत भजन के उन्मुख वो ऐसे जो साधक होता है, भगवान के चरणों में श्रद्धा को प्राप्त करता है। श्रद्धा जो है ऐसे होती नहीं है, लोग अक्सर बोलते हैं श्रद्धा को बड़े हल्के उसमें लेते हैं, लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रद्धा के लिए बड़े विशेष रूप से कहा, श्रद्धा शब्दे सुदृढ़ निश्चय, एक सुदृढ़ निश्चय है। निश्चय भी जो है ऐसा नहीं है कि दृढ़ है, इतना नहीं है, सुदृढ़ होना चाहिए। और क्या है वो बोलते, भगवान से संबंधित अगर कार्य में मैं लगा रहूंगा तो सब कुछ हो जाएगा। सर्व कर्म कृत है, कृष्ण से जुड़ा हुआ काम को अगर मैं करूंगा, कृष्ण से संबंधित कार्यों को मैं करूंगा तो सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। इस चीज का समझ ही जो है व्यक्ति का श्रद्धा है। ऐसा इसीलिए बोलते वो श्रद्धा भगवान में एकांतिक रूप से ऐसे नहीं आता किसी साधक के अंदर, उसके लिए बहुत भाग्य से कोई साधु गुरु वैष्णव की कृपा को प्राप्त किया तब जा करके आता है। ऐसे कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतैव माया तारी दे संसार आदि दुख। कृष्ण विमुख होने के कारण संसार आदि दुखों को जीव प्राप्त कर रहा है। उस जीव का पुनरुत्थान कब होता है? साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्णोन्मुख हो, अगर वो साधु कृपा से, शास्त्र की कृपा से कृष्ण के उन्मुख होगा, मतलब भजनोन्मुख होगा, भगवान के भक्ति के उन्मुख होगा, उन्मुख होके भक्ति साधन आरंभ करेगा, तभी उसका कल्याण होगा। इसलिए बोलते हैं बहुत सौभाग्य से ये अवकाश मिलता है। बोलते श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है वही भक्ति के अधिकारी है, हर कोई अधिकारी है नहीं। कोई भी सोचे कि मैं भक्ति का अधिकारी हूँ, बोलते ना, उसके लिए श्रद्धावान होना होगा। जो भगवान के भजन में अधिकार दिलाती है वही श्रद्धा, वो श्रद्धा साधु संग में साधु कृपा से प्राप्त होता है, अन्य किसी प्रयोजन से नहीं। और बोलते कृष्ण बहिर्मुखता जो है, कृष्ण की विमुखता, वो एक संक्रमण की तरह है, वो जैसे ही फैलता है, जो साधु गुरु शास्त्र और भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास श्रद्धा समर्पण है उसको वो डाइल्यूट कर देता है, वो हमें डाइल्यूट कर देता है। आज भजन अच्छा चल रहा है लेकिन कृष्ण विमुखता मान लो कल घुस गया, कल उसको किनारा लगा देगा, आज ठीक चला। इसलिए जो विमुख व्यक्ति है उनसे सर्वथा दूर रहना चाहिए, वो उसी समय अंतर्धान हो जाता है, वहां पर समाप्त खत्म कर देता है। अब आप देखो बहुत लोग, श्रद्धा तो कोमल होता है, सुदृढ़ तो होता नहीं है, तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हैं उस श्रद्धा को, अलग अलग जगह पे अपनी श्रद्धा को इन्वेस्ट करते हैं, फेथ इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट में क्या होता है, विचार किए बिना श्रद्धा का निवेश करने से जब आघात पहुंचता है तो उससे क्या होता है, उसका श्रद्धा टूट जाता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, फिर वो भजन में भी नहीं आते, सत्संग में भी नहीं आते। इसीलिए हमारे आचार्य पहले ही बता रहे हैं, संभल के जाना, जहाँ जाना है देख के जाना, जहाँ तुम्हें कृष्ण की बहिर्मुखता ना हो, ऐसे विचार ना हो जहाँ पर कृष्ण की बहिर्मुखता है। ऐसा और क्या बोलते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्या भजन कर रहे हो, क्या माला करे, क्या लगा रखा है। हमारा एक गुरुबाई हुआ करता था, मेरा बहुत
अच्छा मित्र था, घनिष्ठ मित्र था। कई साल पहले हम दोनों मिलके पहली बार बेंगलुरु भी गए थे, हम साथ में रहे थे उधर। उनके माता पिता इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। वो बोल बोल के पहले तो उसको मठ से वापस ले आए, और उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हो गया कि उसने जनेऊ कंठी वंठी सब निकाल करके उसने सब छोड़ ही दिया। अब ये जो बहिर्मुखता के कारण है, बहिर्मुख वो जो विषयी लोग हैं, विषयी जिनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, उस तरह के विषयियों के बीच में रहकर उनके संग करने पर भगवान से बहिर्मुखता अपने आप ही आ जाता है। श्रद्धावान है, श्रद्धा भी है, इसीलिए श्रद्धा के कारण गृह को त्याग करके, ऐसा भी नहीं कि इस्तांबुल में कहीं पढ़ता था, सब छोड़ छाड़ कर वो जो है भजन करने की इच्छा से गुरु जी का आश्रय भी लिया था। इतने महान उच्च स्तर के संत के चरणों में आश्रय लेने के बाद भी दुसंग का प्रभाव लग गया। ये तो अभी अभी के एग्जाम्पल्स हैं, पूर्व में शास्त्र में इस तरह की चीज़ें कई घटित हुए हैं, जिसके चलते हमारे आचार्य बोल रहे हैं विमुख व्यक्ति का संग इस प्रकार से होता है। वो क्या करेगा, आपको आपके हृदय के अंदर भगवान से बहिर्मुखता जगा देगा। जैसे भक्ति जगता है, ऐसे वो आदमी बहुत सुंदर था, ये था वो था करके जैसे भी है, उससे क्या होता है कि व्यक्ति का वहां पर श्रद्धा होने लगता है, मतलब आकर्षण होने लगता है। ऐसे ही विषयी व्यक्ति जो है, दुनिया भर के जितना भी विषय है उन सब का वर्णन करते हुए व्यक्ति का उनके प्रति इच्छा ना होने पे भी एक वासना को जगा देते। अब आप देखो विभांड मुनि का पुत्र ऋष्यशृंगी जो है कभी औरत को देखा ही नहीं, लेकिन वो जो राजा है लोमपाद जो है, उन्होंने वो सब गायकों को भेजकर, वो सब लोगों को श्रृंगेरी नदी के तट पे भेजकर, उनसे मिलाकर खाद्य पदार्थ जो उन्होंने कभी पहले कंदमूल के अलावा खाया नहीं, उनको ऐसे रुचिकर भोजन देकर, और उसके बाद वो तो पुरुष के अतिरिक्त किसी और को कभी देखा नहीं, क्योंकि उनके पिताजी ने उनका जन्म हिरण से दिया था, तो इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंगी है। वो जो है उनके सींग होते थे हिरण जैसे, बाकी शरीर मनुष्य की तरह था। वो तो स्त्री के गर्भ से तो उनका जन्म हुआ नहीं, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं। अब वो लोगों ने स्त्री को बेच के, उन्होंने भी ये कुछ अलग ही प्राणी हैं, आकर्षण होने लगा। खाने की चीजें भेजा, आकर्षण होने लगा। सरल सीधा हृदय है, लेकिन वो सरल महात्मा थे, लेकिन आकर्षण से वो अपने पिता के कुटीर छोड़कर बिना बताए इन लोगों के साथ में, वो लोग बहला पुसला के ले गए, लेकिन इतने भी छोटे बालक नहीं थे कि वो उनके साथ में वहां पर चले गए थे लोमपाद राजा के राज्य में ऐसा। तो इसलिए बड़े बड़े जो महापुरुष भी होते हैं वो भी आचरण करके दिखला रहे होते हैं, और कई ऐसे होते पतित जीव होते हैं, सबका एक ही कहना। अब युधिष्ठिर महाराज है, वो तो धर्मराज है, मूर्तिमान धर्म है, उनका दर्शन करके पूरा यमलोक का उद्धार हो चुका था। जब वो यमपुरी गए थे, धर्मराज के अभिन्न स्वरूप है, लेकिन वो युधिष्ठिर महाराज भी आचरण करके दिखा रहे हैं। द्यूत क्रीड़ा के अंदर जब वो हारने लगे थे, जुआ हारने लगे थे, वो अपना संयम को खो गए, पत्नी बच्चे पत्नी भाई सारा कुछ दाव पे लगा दिया। वस्तु दाव पे लगाया जाता है, व्यक्ति को कहाँ दाव पे लगाया जाता है, ये बात उनको समझ नहीं था। लेकिन दुसंग जो है उसकी प्रेरणा इतनी भयंकर है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी नीचे ले आता है।
इसलिए यहाँ पर इस बात को बहुत ही ज्यादा जोर दे करके बोल रहे हैं। अनुकूल भले हम इतना करें उसका बहुत मात्रा में फायदा होता है, लेकिन प्रतिकूल अगर हम इतना भी करते वो हमारा सर्वनाश करके लेता है। अनुकूल चाहे बहुत कर नहीं करने पे भी, भगवान तो बोल दिया स्वल्पम अवश्य धर्मस्य त्रायते, मैं तो भैया थोड़ा करोगे तुम मेरे लिए, मेरे से संबंधित कुछ भी मैं तुम्हें महान भय से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर गलत वस्तु जो है, दुस्संग जो है, थोड़ा भी करते हैं, वो अपना स्पेस अंदर बनाकर हम लोगों को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। इसीलिए जो है शरणागति के लक्षण जहाँ पर बताया उसमें प्रतिकूल वर्जन के ऊपर भी बताया। हमारे प्रतिकूल वर्जन से भगवान का क्या है, क्योंकि हमारे परमार्थिक उन्नति के लिए वो अवरोध है। इसलिए साधना के मार्ग में मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मैं ऐसा क्यों नहीं चल सकता, मेरा ये विचार है, ये सिद्धांत चलता नहीं है। वहां पर सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने का ही रूप, शास्त्र ने जैसे हमें शिक्षा दी, हमारे आचार्यों ने जैसे हमें शिक्षा दी, उसको एज इट इज फॉलो करने के अतिरिक्त हमें अपना कुछ भी स्पेकुलेट करने का राइट वहां दिया ही नहीं है। अगर हम करते हैं अपनी दिमाग चला, ये अनर्थ सृष्टि होता है। ऐसा भगवान का भक्त भगवान के रूप गुणादि की बात कर साथी के चित्त में जिस प्रकार के भगवत आसक्ति जगा सकता है, वैसे ही आसक्ति स्वयं भगवान भी कभी नहीं जगा सकते। गुरुदेव दे सकते हैं, जो भगवान नहीं भी दे सकते हैं हमारे गुरुदेव वो भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों, भगवान क्या नहीं दे सकते, यही नहीं दे सकते। भगवान जो है क्या नहीं दे सकते, बोलते हैं उनके नाम रूप गुण लीला के प्रति एक किसी जीव के अंदर आसक्ति नहीं दे सकते, उसके लिए भक्त के पास जाना ही पड़ेगा, उसके पास गुरुदेव के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा इतना उसका महत्व दिया है, क्योंकि भगवान भगवान है, इसलिए प्रभु होने का अनुभूति उनको है, लेकिन उनके पास जो है भक्त होने का अनुभूति नहीं है। इसीलिए भगवान उस अनुभूति को लेने के लिए भक्त का पीछे पीछे चलते हैं। ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं भक्त के अधीन होकर उसके पीछे चलने लगता हूँ। भगवान खुद बोल रहे, क्यों चलने लगते हो, क्योंकि उसके हृदय में मेरे प्रति जो भक्ति है उसको आस्वादन करने के, वो भक्ति का सुख को पाने के। ऐसा भक्ति का जो परिणाम है वो भगवान दे देते हैं, लेकिन भक्ति जो है, आसक्ति जो है, अगर हमारा नाम में आसक्ति है, भगवान के रूप गुण लीला में आसक्ति है, उसका जो परिणाम होगा वो हमें भगवान से मिलेगा, भगवत प्रेम। लेकिन वो आसक्ति जो है वो हमें भक्त से ही मिलेगा। ऐसा नाम में अगर आसक्ति नहीं है तो नाम ही कहाँ मिलने वाला। ऐसा इसलिए नाम रूप गुण लीला में आसक्ति होना जरूरी है। ऐसी जो भक्ति है वो केवल भक्त के संग से, उनके सान्निध्य से ही हमें प्राप्त होगा। इसीलिए भक्त संग में नाम प्रभु के प्रति, भगवान के रूप गुण लीला के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो वास्तविकता में जो है स्वयं भगवान की उपस्थिति में भी उतना नहीं होता है। ऐसा इसीलिए भक्त हमेशा भक्त संग की कामना करता है, क्योंकि भक्त जहां है भगवान वहां है। ऐसा
और जो भक्त के हृदय में भगवत प्रेम का जो अनुभूति है वो भगवत प्रेम से भी बढ़कर के है ऐसा। इसीलिए बोलते हैं भक्त जहाँ है वही सब कुछ है ऐसे, क्योंकि अगर भक्त नहीं है तो उस प्रेम का अनुभूति जो है अभिव्यक्ति जो कहाँ पर देखेंगे। दो व्यक्ति का ना होने से एक आदमी बैठा है, अब क्या पता चल रहा है, दो हैं तो उनके बीच में जो आदान प्रदान होता है उसी से वो प्रेम का संबंध में हमें मालूम पड़ता है, ये प्रेम करते हैं लड़ते हैं क्या करते हैं सारा कुछ पता चलता है। ऐसे ही भक्त और भगवान जब रहते हैं, भगवान भोक्ता रूप में हैं और भक्त भक्त रूप में रह के भगवान की आराधना करते हुए उस भगवत प्रेम में डूब कर जो अनुभूति को वहाँ पर अभिव्यक्त करता है उसका दर्शन करते हुए अन्य साधक जितने भी है उसी रस को पाने के लिए लोलुप होते। अब आप देखो श्रीमती राधिका स्वयं कृष्ण नाम में डूब कर ललिता विशाखा राधा रानी से कहती है कि देखो कृष्ण का नाम उच्चारण मत करो, तुम कृष्ण को स्मरण करती है कृष्ण का नाम करती इसलिए तुम्हारी ये दशा हो जाता है, रुई लगाते नाक के आगे तो वो जल जाता है, मतलब इतना हृदय जल रहा है कि श्वास में से जो आ रहा है उससे जो है रुई जल जाता, जिंदा है कि नहीं देखने के लिए मूर्छित हो गई थी जब रखा तो वो जल गया वो, तो इतना हृदय के अंदर जो है प्रेम का विकार चल रहा है। और वो कृष्ण नाम करती है, ललिता विशाखा बोलती कि कृष्ण का नाम नहीं लेना, तब राधा रानी क्या कहती है, बोलती कि ऐसे कभी कहना नहीं, जब कृष्ण का नाम मेरे जीभा के अग्रभाग पे नृत्य करता है नाचने लगता है ऐसा लगता है कि इस मधुर से मधुर नाम का आस्वादन करने के लिए केवल एक जीभा, विधाता को सृष्टि करना नहीं है, नाम रस को पान कर रही है वहां पर। और बोलते यही जब नाम जब कान में प्रवेश करते दो कान, विधाता का सृष्टि नहीं आता, बोलते अर्बुद कान होने चाहिए, लाखों करोड़ों कान होना चाहिए जिससे कि एक एक कान से प्रभु का नाम अंदर जा रहा है और मैं उस रस में डूब रहा हूं। बोलते वही नाम जब कान से प्रवेश करके हृदय में जाता है सर्वेन्द्रियानिम कृतम, और बोलते पूरा तमाम इंद्री जो है स्तब्ध हो जाते फ्रीज हो जाते, तुंडे तांडे विनिम वितनिते तुंडावली लब्धे वाला जो श्लोक है ऐसा। ये रूप गोस्वामी का लिखा हुआ है ये ऐसा, तो इसीलिए ये भाव है। आप वहां पर देखेंगे राधा रानी का ये भाव, ऐसे ही कृष्ण का नाम को करते करते वो समाधिस्थ हो गई, श्री कृष्ण जाकर उनको स्पर्श करते हैं। राधा रानी का ऐसी विशेषता है कि राधा रानी कृष्ण को देखने की जरूरत नहीं है, कृष्ण के घ्राण से कृष्ण के सुगंध से राधा रानी को पता चल जाता है कि कृष्ण आया। उद्धव जब ब्रज में आया सबने कहा कि कृष्ण आया, राधा रानी बोलती नहीं वात्सल्य का भाव आ रहा है, मतलब कृष्ण भक्त आया ऐसा। तो राधा रानी वहाँ पर कृष्ण को घ्राण से पहचान जाती है, आज कृष्णा के स्पर्श कर रहे तब भी उनको होश नहीं है, तब कृष्ण चिंतन करते कि ऐसी कौन सा प्रेम का रस है जिसमें राधा रानी ऐसी डूब गई है कि मैं सम्मुख में हूँ स्पर्श भी कर रहा हूँ कान मुख से पुकार भी रहा हूँ तब भी उनको मेरा होश नहीं है, ऐसे मेरे रूप में मेरे नाम में मेरे उसमें ऐसी डूब चुकी है उनको होश ही नहीं है। बोलते उस सुख को मैंने भी आस्वादन करना है। कृष्ण के मन में कि मुझे इस अनुभूति को कि मैंने भी अनुभव करना है ऐसा, तब कृष्ण राधा रानी का भाव और अंग कांति को लेकर
गौरसुंदर बन के अवतीर्ण हुए, भक्त रूप को धारण करके वो प्रकट हुए, प्रभु बन के नहीं आए, भक्त बन के आए। महाप्रभु का जो लीला है वो भक्त का लीला है, वो भक्त बन के आए ऐसा, इसीलिए वो एक प्रच्छन्न अवतार भी माना जाता है ऐसा भगवान को, इसलिए त्रियुगी कहते, त्रियुग ऐसा। तो जो हो यहाँ इसी बात को बता रहे हैं, राधा रानी जिस प्रकार से भगवान के हृदय में अपने ही नाम रूप गुण लीला के प्रति जो आसक्ति जगा दिया, ऐसे ही शुद्ध भक्त होते हैं। बोलते हैं भूलना नहीं, बेकार लोग भी ऐसे ही होते हैं, वो अपने निकृष्ट विचारों को, निकृष्ट भावों को साथ में रहकर हमारे पे थोप के हमारा बुद्धि को भ्रष्ट करा देते हैं। ये बड़े खतरनाक होते हैं। जो व्यक्ति मान लो नास्तिक है, विरोधी है, दिखाई दे रहा है कि ये विरोध करने वाला है, नास्तिक है, अच्छे आदमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति आपका साथी बनकर आपके साथ में रह के गंध को घोल के आपको भगवान से दूर कर देता है, बड़ा खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण भजनोन्मुखी साधक है वो ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे ही क्यों? तो ये विमुखता कौन पैदा कर रहा है? वो व्यक्ति पैदा कर रहा है जो कि वेश भाषा से भक्त जरूर है, लेकिन भाव से, आचरण से उसमें कृष्ण के प्रति उन्मुखता नहीं है। इसीलिए हमने कल जैसे श्रवण किया सजातीय संघ को लेकर, वो बहुत हर स्तर पे सजातीय संघ की जरूरत पड़ता है, कि अगर हम कर्मी भक्त का संग करते हैं तो हम लोग कर्मी बनेंगे, ज्ञानी का संग करते हैं, ऐसा नहीं कि ज्ञान मार्ग को चलने वाले व्यक्ति भगवान को नहीं मानते उनका नाम नहीं करते, करते योगी भी करते हैं, कर्मी भी करते हैं, और उसके बाद जितने भी और लोग हैं वो भी करते हैं। लेकिन जब भक्त का संग करते हैं तभी हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति होगा, अन्यथा नहीं होगा। इतना ही वो भक्त के अंदर भी जो है, अब हम निष्काम का करते हैं कि सकाम का करते हैं, मोक्षकामी का करते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता। मोक्ष के लिए भी कृष्ण की आराधना करने वाले बहुत सारे भक्त थे, मोक्ष प्राप्ति ही उनका जीवन का उद्देश्य था। इसीलिए क्या उनका चाहिए एक साधक को, अपने अंदर झांक के पहले उसको देखकर उसके अनुरूप उसको संग, ऐसी संगति में अपने आप को रखने के लिए बताया है ना। इसलिए बोले पहले सजाती संघ हर स्तर में है। अब आप देखो जैसे जैसे व्यक्ति साधना में आया, पहले तो उसको पता ही नहीं है कि वो कृष्ण नित्य दास है, वो तो हरिनाम करते करते हमारे आचार्य बोलते हैं एक दिन जो है स्फुरित होगा कि तुम भगवान के दास हो। वो तब जब मैं दास हूँ, दास का काम है प्रभु का सेवा ही करना, सेवी की प्रसन्नता के अनुरूप चलना, इस शिक्षा के ऊपर चलने वाले जो भक्त होते हैं, जब हम उन जाति के भक्तों का संग करते तब आएगा। उसके बाद जब मैं दास होने के बाद रस विशेष संग आएगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे कब ही नहीं करता कर संगे चित्त इच्छसि यदि व्रज रस रंगे। अगर आपको व्रज का भाव चाहिए तो जो व्रज के भाव के विरुद्ध है या व्रज के भाव के अनुरूप नहीं है, ऐसे किसी भी भक्तों का या व्यक्तित्व का संग नहीं करना। फिर उसके अंदर भी जो है, अब कौन सा रस को लेकर के, शांत है, दास्य है, साख्य है, ऐसे ऐसे, इस चीज को हमें समझना हो। और यहाँ पर विरोध भी ऐसा ही है, व्यतिरेक भी ऐसा ही है। जो भगवान का विरोधी है भगवत भक्त नहीं है,
जिसके अंदर अन्याभिलाष है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य से पीड़ित है, इस तरह से जो व्यक्ति होता है उनका जब हम संगति करते हैं वो हमारे अंदर भगवान के प्रति बहिर्मुखता लेके आ जाए। ऐसा। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे हैं, या च पुरुष विरक्तम ज्ञात्वा स्वयं निष्कामताम व्यजयन्ति शुश्रुषु दिमिशेन उपयति उपयाति। मतलब क्या बोल रहे हैं, स्त्री जो है देव निर्मित माया विशेष है। कितना ज्यादा जोर दे रहे हैं इस चीज के ऊपर, देखो ये हमारे आचार्य वो बोलते हैं इस माया का जो जंजाल है, बंधन है, उससे उद्धार पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसा आसान नहीं होता, इसलिए कल्याणकामी व्यक्ति के लिए वो बोलते हैं ऐसे स्त्रियों का संसर्ग में आना ही उचित नहीं है। आप देखो श्री चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद जी की महिमा कीर्तन करते हुए बतला रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैं यद्यपि विरक्त हूँ, त्यागी हूँ, लेकिन काष्ठ की प्रतिमा को देख करके भी हो सकता है कि विकार उत्पन्न हो, लेकिन राय रामानंद के अंदर ऐसा कुछ भी हो ये असंभव है। राय रामानंद जी की महिमा बोल रहे हैं कि देखो राय रामानंद के अंदर विकार नहीं हो सकता, लेकिन उनकी महिमा को बताते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु एक शिक्षा भी दे रहे हैं अपने आप को आगे रख के। बोलते मुझे जो है स्त्री की काष्ठ प्रतिमा देख के भी विकार उत्पन्न हो सकता है। ऐसा है ना, ऐसे महाप्रभु कह रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं कि कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, ऐसे इसलिए जितना दूर रहने से उतना मंगल होता है। हम अगर अल्प बुद्धि प्रयोग करेंगे, हम सोचेंगे ना ना कुछ नहीं है, मेरे मन में नहीं, उसके मन में नहीं, तो आज नहीं तो कल बेड़ा गर्क होने के अलावा और कोई उपाय बचता नहीं है। ये बड़ा खतरा है ऐसा। तो इसलिए यहां पर इस बात को बतला रहे हैं, साधक को श्री कृष्ण के लीला गुणगान को छोड़ सांसारिक गीत गायन आदि में आसक्ति त्यागनी होगी। क्योंकि यहाँ पर बोल रहे हैं ना, त्याग करो अन्य गीता। गीता क्या है, बोलते हैं भगवान के महिमा कीर्तन के अतिरिक्त जो बाकी जितने भी गीत हैं वो बोलते हैं उन सबको त्यागने के लिए बोल रहे हैं। बहुत तरह के गीत हैं इस संसार में, इसलिए बोलते हैं यहाँ पर अगर कोई गीत श्रवण करना ही है, बोलते हैं वो भगवान की गुण कीर्तन के अतिरिक्त, गुणावली के अतिरिक्त और किसी और चीज का वहाँ पर श्रवण करना नहीं है, उनके प्रति आसक्ति नहीं रखना है। उसी को वो बोल रहे त्याग करो अन्य गीता। अन्य मतलब और जितने भी गीत आदि है उन सबको त्यागने के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो बोलते कृष्ण से अटकर कोई और जितने भी विषय है उनसे संबंधित गायन आदि से अगर हम अपने आप को मनोरंजन करने लगते हैं तो उसके परिणाम से क्या होता है,
संसार के रूप शब्द आदि के प्रति आकर्षण होता है, है ना। संसार के रूप शब्द आदि के प्रति आकर्षण होता है। अब कुछ समय पहले किसी ने मुझसे कहा था कि महाराज आप गीत गोविंद के ऊपर कथा करना। मैंने उनसे एक बात कहा कि देखो वंशी भट्ट के अंदर एक श्लोक लिखा हुआ है, वो बोलते हैं वंशी भट्ट में दीवारों में लिखा हुआ है धीर समीरे, क्योंकि पास में धीर समीर है, जमुना तीरे वसती बने वनमाली पीन पयोधर मर्दन कीन ही चंचल कर युगशाली। मैंने बोला इसको एक बार पढ़ के अगर तुम्हारे अंदर विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है मतलब तो आना, जबकि ये कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा विरचित नहीं है, जयदेव गोस्वामी के द्वारा विरचित है, बड़े ही अद्भुत काव्य है। लेकिन बदजीव उसको श्रवण करेगा तो भी उसके अंदर की वासना का विकार प्रबल हो जाएगा। और अगर भगवान का नाम लेने के बहाने से कोई भी व्यक्ति सांसारिक रूप शब्दों को व्यवहार करके जो जो कि भगवान के भक्ति के अनुकूल नहीं है, है ना, संगीत आदि के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को करता है तो शास्त्र बोलते हैं उस व्यक्ति का आसक्ति संसार के प्रति जाता। अब जैसे एक जगह मैं सुन रहा था, ये जैसे चित्र विचित्र वगैरह होते हैं ये लोग जो गाते रहते हैं, ऐसे कि आप एक जो गा रहे हैं उसमें आता है आपका आपका जो नशा है शराब से भी ज़्यादा नशीली है। अब आदमी जब इसको गा रहा है वो महिमा कीर्तन भगवान का करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जब एक व्यक्ति इसको गा रहा है उसके दिमाग के अंदर वो जागतिक व्यसन ही आता है ना। बोलते अगर एक गाते तुम चोर है लंपट है ये है वो है, ऐसे शब्द इस तरीका से प्रस्तुति देने पर दुनिया का जो चोर है वही सामने आता है, या जो भी जागतिक वस्तुओं के साथ तुलना करके उससे संबंध में अगर कुछ भी वर्णन करते हैं भगवान का भी या दुनिया का तो फिर छोड़ ही दो, वो हर चीज व्यक्ति को संसार की तरफ ही लेकर के जाता है। इसलिए यहाँ पर समझना चाहिए। और बोलते त्याग करो अन्य गीता, मतलब कि भगवान का भजन भी जो है भगवान अथवा भगवत पार्षदों के द्वारा प्रियजनों के द्वारा अनुमोदित नहीं है तो वो भी जो है सर्वदा त्याज्य है। जो भगवान से संबंधित नहीं है वो तो त्याज्य है ही है, भगवान से जुड़ी हुई चीज भी क्यों ना हो अगर वो भगवत भक्तों के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है तो वो भी त्याज्य है। इसीलिए आप देखो गुरु महाराज जी हमेशा महाजनों के जो कीर्तन है उसी के ऊपर जोर देते हैं, कभी भी कोई बाहर का कीर्तन इधर उधर की चीज़ों को उन्होंने कभी स्वीकार किया ही नहीं। महाजनों का जो कीर्तन जो कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर नरोत्तम ठाकुर आदि आचार्यों का जो कीर्तन है उन्हीं के प्रति उनका जोर रहा है, इसके अतिरिक्त किसी और चीज़ के प्रति जो कभी रहा ही नहीं। उसका कारण क्या है? यही कारण है यद्यपि वो देखने की तरह लग रहा महिमा कीर्तन है लेकिन व्यक्ति का जो चिंतन है व्यक्ति का जो भाव है वो भी भगवान से दूरी चला जाएगा, वो भी भगवान से दूरी चला जाएगा। तो जो हो इसलिए यहाँ पर बता दिया जो नाम से भगवान के प्रति जो व्यक्ति आकर्षित नहीं होता है भगवान के नाम से आह्लादित नहीं होता आनंदित नहीं होता, वो बोलते हैं उसका जो चित्त है वो संसार के रूप गुण के प्रति प्रारंभ में लगता है कि भगवान के लिए कर रहा है, धीरे धीरे दुनिया के नाम दुनिया के रूप दुनिया के गुण और दुनिया के लोगों की हरकतों के प्रति वो चला जाता है।
वो उसका पतन का कारण बन जाता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।